ट्रेनों में परोसे जा रहे खाने ने एक बार फिर भारतीय रेलवे की पोल खोल कर रख दी है। रेलवे के खानपान ने रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शताब्दी और राजधानी को देश की वीआईपी ट्रेनों में गिना जाता है, लेकिन जब वीआईपी ट्रेनों में ही चूहे की झूठन परोसी जाए तो भला बाकी ट्रेनों का क्या हाल होगा। जी हाँ, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल जा रही शताब्दी में चूहों का खाया हुआ खाना परोसा गया है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। ट्रेन में सफर कर रहे मुसाफिरों को पहले नाश्ते में सूप और ब्रेड स्टिक्स दिए गए, जिन्हें चूहों ने कुतर रखा था, तो वहीं दूसरी बार भी मुसाफिरों को चूहों की झूठन नसीब हुई जब डिनर दिया गया। दोनों बार चूहों का खाया हुआ खाना परोसे जाने से एक तरफ जहां गुस्साए मुसाफिरों ने रेल प्रशासन से शिकायत की, तो वहीं ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई गई। वैसे ये पहली बार नहीं जब खाने पीने के मामले में रेलवे को शर्मसार होना पड़ा है। इससे पहले भी मुसाफिरों के खाने में कॉकरोच से लेकर गंदगी पाई गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि खाने पीने के इन मामलों पर लगाम कसने के लिए रेल मंत्रालय लापरवाह ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाकर ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करता। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।